फ्रेंड्स, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। फ्रेंड्स, इस चैप्टर पर मैं आपके लिए पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने आपको एक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर का एंड करने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में थे वो सभी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। अपने साथ अपनी टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स को रखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस ना कर दें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ। आजकल मैं जब कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो कमेंट्स में मुझे आजकल लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि हिंदी में पढ़ाइए या फिर इंग्लिश में पढ़ाइए। फ्रेंड, जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए दोनों ही लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ। ना ही तो मैं प्रॉपर आपको हिंदी में बता रही हूँ, ना ही आपको प्रॉपर इंग्लिश में। दोनों ही लैंग्वेजेस को ध्यान में रखकर, दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं किसी टॉपिक को इंग्लिश में बताती हूँ तो उसके साथ साथ मैं हिंदी वर्ड्स का भी इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आप लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स या सैम्पल पेपर्स की, जो अभी तक मैंने इंग्लिश में कराए हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगी, जो CBSE की साइट्स पर सैम्पल पेपर अपलोड किए गए हैं, जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स हैं, वो सैम्पल पेपर मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों ही लैंग्वेजेस में सॉल्व कराऊंगी। इसलिए लैंग्वेज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना। फ्रेंड्स, किसी रूलर को या किसी किंग को जिसे हमने देखा हो, ऐसा कोई इंसान जिसे हमने देखा हो, उसका पोर्ट्रेट तैयार करना, उसका पिक्चर तैयार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, एक नेशनलिज्म का आइडिया, एक कंट्री को ऐसे पर्सोनिफाई करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये कोई इजी टास्क नहीं था। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस टॉपिक में जो मेनली बात करेंगे वो होगी एलिगोरी। एलिगोरी को हम लोग हिंदी में रूपक कहते हैं। फ्रेंड्स, एलिगोरी का मतलब होता है ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में जैसे फ्रीडम है, एनवी है, ग्रीडीनेस है, ये ऐसे आइडियाज जिनको हम किसी पर्सन या थिंग्स के थ्रू हम जो है एक्सप्रेस करते हैं। हिंदी में इसे हम लोग रूपक भी कहते हैं। इन्हें हम लोग सिंबॉलिक तरीके से या लिटरली यानी कि शाब्दिक अर्थ, दोनों में से किसी से भी हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो नेशनलिज्म का आइडिया था, उसको स्प्रेड करने के लिए और इस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे कि न्यू फ्लैग्स बनाए जा रहे थे, न्यू सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे, नेशनल एंथम्स लिखे जा रहे थे, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी नेशनलिज्म के लिए की जा रही थी। ऐसे ही फ्रेंड्स, 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट जो हैं वो नेशंस को, कंट्रीज को पर्सोनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। कहने का मतलब वो कंट्रीज को एक पर्सन की फॉर्म में लोगों के सामने लेके आने वाले थे। जैसे कि फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा है जर्मन की जर्मेनिया। जर्मेनिया फ्रेंड्स कोई लेडी नहीं थी, असलियत में इनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब इन्हें बनाया गया, आर्टिस्ट ने जब इनको बनाया, तो इनके जो सर पर जो है ओक लीव्स का एक मुकुट था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर था, ये जो पोर्ट्रेट था, ये काफ़ी सारी जगहों पर जर्मन में लगाया गया, जर्मनी में, जिसकी वजह से लोगों के अंदर वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई। यानी कि जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी के लोगों के लिए नेशनलिज्म का एक सिंबल बन गई थी और ये एक एलिगोरी थी। ऐसे ही फ्रेंड्स, फ्रांस की मारियान थी। ऐसे काफ़ी सारी एलिगोरीज थी जो कि नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही थी और इस फीलिंग को स्ट्रांग भी कर रही थी। और इस चीज़ से हम लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी भारत माता को हम उसी रूप में देखते हैं। जब भी हम लोग भारत माता के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक पेट्रियोटिक फीलिंग आती है, देशभक्ति की भावना जो है अंदर जाग उठती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये सभी एलिगोरीज थी। फ्रेंड्स, कुछ और सिंबल्स जिनका आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है फ्रेंड्स, ब्रोकन चेन, यानी कि टूटी हुई बेड़ियाँ। टूटी हुई बेड़ियों से हमें पता चलता है इसका मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। चेन टूट रही है यानी कि लोग आज़ाद हो रहे हैं। इसके बाद
जो सेकेंड सिंबल है फ्रेंड्स वो है क्राउन ऑफ द ओक लीव्स, यानी कि जो बलूत की पत्तियां होती हैं उसका बना हुआ ताज जो कि जर्मेनिया के सर पर था। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स हीरोइज्म, यानी कि बहादुरी। थर्ड जो सिंबल है फ्रेंड्स वो है हमारा स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है कि लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, रेडीनेस टू फाइट। फोर्थ है फ्रेंड्स ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, यानी कि तलवार के चारों तरफ जैतून की जो डाली है वो लिपटी हुई है। इसका मतलब होता है विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि शांति की चाह, लोग शांति चाहते हैं। फिफ्थ सिंबल है राइजिंग ऑफ द सन रेज, यानी कि उगती हुई सूर्य की किरणें। इसका मतलब होता है एक नए युग की शुरुआत, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स थे, कुछ ऐसी एलिगोरीज थी जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक नंबर में हो सकता है सवाल बन जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और इस चैप्टर को आज हम लोग एंड करते हैं। लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। फ्रेंड्स 19th सेंचुरी का जो टाइम था उस टाइम पर जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था अब उसकी जगह जो है इंपीरियलिज्म ने ले ली थी, यानी कि साम्राज्यवाद ने। साम्राज्यवाद का मतलब फ्रेंड्स होता है जो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल कंट्रीज होती हैं, धनी और ताकतवर देश होते हैं वो जब वीक कंट्रीज पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम इंपीरियलिज्म या फिर साम्राज्यवाद कहते हैं। उस टाइम पर फ्रेंड्स 19th सेंचुरी में यही होने लगा था, जो पावरफुल कंट्रीज थी वो चाहती थी कि हम लोग वीकर कंट्रीज पर जो है अपना कंट्रोल कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बन जाएं। फ्रेंड्स यूरोप में जो सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी नेशनलिज्म को लेकर वो 1871 के बाद जो है बाल्कन नेशंस में थी। बाल्कन नेशंस में फ्रेंड्स आज के रोमानिया, क्रोशिया, सर्बिया ऐसी कंट्रीज आती हैं और इनके सिटीजन्स को फ्रेंड्स हम लोग स्लेव कहते हैं। फ्रेंड्स यूरोप के जो बाल्कन नेशंस थे वो जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा थे, लेकिन बाद में ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन विघटन की वजह से और नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होने की वजह से जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो गई। अब ऑटोमन एम्पायर जो है कुछ मॉडर्न और इंटरनल रिफॉर्म से जो है दोबारा से अपनी पावर को और खुद को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि उसके पास दोबारा से बाल्कन नेशंस की पावर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जो भी बाल्कन नेशंस थे वो एक एक करके जो है खुद को इंडिपेंडेंट प्रूफ कर रहे थे, यानी कि वो सभी जो है अलग होते जा रहे थे और खुद का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे थे और इंडिपेंडेंस को जो है क्लेम कर रहे थे। उन लोगों ने अपने पास्ट, अपनी हिस्ट्री का यूज़ किया ये बताने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि पहले जो है वो लोग इंडिपेंडेंट थे, बाद में कुछ फॉरेन पावर्स ने जो है उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। ये चीज़ वो लोग अपनी हिस्ट्री से प्रूफ करना चाहते थे। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपीरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, साम्राज्यवाद की भावना लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। अब जो है बाल्कन नेशंस आपस में ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस होने लगे। अब ये लोग ये चाह रहे थे कि हमारे पास पावर ज़्यादा हो, हमारे पास पावर ज़्यादा हो, यानी कि अब इन लोगों के बीच में पावर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगे। ये लोग एक दूसरे से लड़ने लगे सिर्फ और सिर्फ पावर्स के लिए। अब इन लोगों के बीच में हर चीज़ को लेकर कॉम्पिटिशन था, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कॉलोनीज हो, हर चीज़ को लेकर अब इन लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होने लगा था। अब बाल्कन नेशंस तो थे ही, अब ऊपर से जो है रूस, ऑस्ट्रो हंगरी और काफ़ी सारी ताकतें जो हैं अब इन नेशंस के ऊपर जो है अपना रूल करना चाहती थी। लेकिन फ्रेंड्स इन सब चीज़ों से हुआ कुछ भी नहीं, लोग इतना आपस में लड़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए, एंड में इसका हुआ कुछ नहीं, हुआ तो सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आगे जाकर ये कन्फ्लिक्ट्स, ये टकरार इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आखिर में जाकर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। यानी कि जब इंपीरियलिज्म नेशनलिज्म से जुड़ गया, राष्ट्रवाद को जब हम लोगों ने साम्राज्यवाद से जोड़ दिया, जब दोनों भावनाओं को हम अलग नहीं कर पाए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग नहीं समझ पाए, तो ये और हमें सिर्फ और सिर्फ एक महाविपदा की, एक डिजास्टर की ओर ये लेके चली गई और यूरोप में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में। हम लोग जानते हैं
70 लाख से लेकर 1 करोड़ अबाउट जो है इतने लोगों की डेथ हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और सिर्फ इन टकरारों की वजह से, इन लड़ाइयों की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ जाना, काफी सारे फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और इस चैप्टर पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए सैंपल पेपर्स और चैप्टर वेटेज यानी कि सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट जो है वो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।